नान बाइयों की हड़ताल बिला जवाज है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसी सूरत रोटी की कीमत में इजाफा नहीं होने देगी। शौकत यूसुफजई का बड़ा ऐलान, कहते हैं नान बाइयों को फाइन आटा कम कीमत पर देने के लिए तैयार हैं। पंजाब ने पाबंदी उठा ली है, कल से तमाम मार्केट्स में वाफर आटा दस्तयाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नान भाई एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल की काल दी गई है बिल्कुल बिला जवाज है। दो दिन पहले जब ये आए उन्होंने कहा कि जी पंजाब से आटे की फरामी बंद हो गई है, उन्होंने बैन लगा दिया है और इससे क्राइसिस बनेगा, इसलिए आप हमारे रोटी की कीमत 10 से 15 कर दें क्योंकि हमें महंगा आटा मिल रहा है। उस वक्त भी सूबाई हुकूमत ने उनको ये ऑफर दी कि आपको अगर आटा महंगा मिल रहा है तो हम आपको 10-12 फ्लोर मिलों से फाइन आटा सस्ते दामों देने के लिए तैयार है, लेकिन रोटी की कीमत ना बढ़ाएं। उसी शाम वजीर आला महमूद खान ने वजीर आजम इमरान खान से राबता किया, फिर उस्मान बुजदार साहब से राबता किया और जो पंजाब ने बैन लगाया था खैबर पख्तूनख्वा पे जो आटे की तरसील थी वो खत्म कर दी। जब वो खत्म हुई फिर हमने इनको मैसेज कन्वे किया कि जी वो खत्म हो गई है बैन, इसलिए एक दो दिन में वाफिर मेदार में आटा पहुंच जाएगा मार्केट में। उस वक्त तक अगर आपको आटे की कोई किल्लत है या शॉर्टेज है या कोई महंगा है आटा, तो सूबाई हुकूमत आपको अपने फ्लोर मिलों से आटा ग्रहण करके दे सकती है और सस्ते कीमत पे दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें फाइन आटा चाहिए पंजाब का, हमने उनको ये ऑफर भी दी कि हम भी आपको फाइन आटा ही देंगे और कम कीमत पर देंगे लेकिन आवाम पे बोझ ना डालें।